तो दोस्तों आज हम बात करते हैं वीडियो शेयर को लेके। तो वीडियो शेयर जो होता है, आप मोनेटाइजेशन से पहले अपनी वीडियो को जितना चाहो उतना शेयर कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है बस आपकी वीडियो की जो CTR होती है वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है, क्योंकि आप जिस लोगों को वीडियो शेयर करते हो वो लोग आपकी पूरी नहीं देखते हैं। देखो, मैं भी एक टेक्निकल चैनल से जो रिलेटेड है मेरी वीडियो सारी, तो अगर मैं मेरे दोस्तों को इस वीडियो को मतलब सेंड करूँगा व्हाट्सअप पे या इंस्टाग्राम पे, तो उनको क्या समझ में आएगा इसको लेकर? कुछ भी नहीं समझेंगे, तो देखेंगे नहीं, बस क्लिक करेंगे, छोड़ देंगे, दो सेकंड देख के बोलेंगे क्या बस रहा है। तो अगर इसी चीज़ मैं किसी टेक्निकल लोगों को सेंड करता हूँ व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम में, तो उन लोग देखेंगे पूरी इसको। तो हमारी जो यहाँ पे CTR है वो हाई होती है। तो ये बात है, हम मोनेटाइजेशन से पहले हम खुद की वीडियो को खुद शेयर कर सकते हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद हम खुद की वीडियो को अगर खुद शेयर करते हैं मोनेटाइजर वाला जो फ़ोन है उसी फ़ोन से, तो यूट्यूब को लगेगा कि हम खुद की ट्रैफिक खुद ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें, अदर फ़ोन से आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सअप को अलग फ़ोन पे डाउनलोड कर लेना है, वहाँ से आप अपनी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कर सकते हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, उन्हीं बंदों को शेयर कीजिए जो आपकी वीडियो को देखेंगे, जिससे आपकी वीडियो को नॉलेज मिलेगा। अगर अदरवाइज़ कोई आपकी वीडियो को देखेगा नहीं, वैसे भी CTR डाउन होगा, ऐड लगेंगे स्किपेबल ऐड, उसके एडसेंस की भी जो CTR है वो हाई होगी, इससे एडसेंस डिसेबल होने की चांस बढ़ती है। शेयर उन्हीं लोगों को करें जो आपकी वीडियो को देखना चाहते हैं, ऐसा आपके रिलेटिव वगैरह को मत शेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।